इवनिंग गाइस, आज फिर एक नए प्रोडक्ट जो कि मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, एक साल से यूज़ कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और ये प्रोडक्ट भी एक रूटीन जो घर के हाउस होल्ड के लिए यूज़ करने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं आपको पता ही है, जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ वो वही प्रोडक्ट होते हैं जिनको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और जिनको मैं मानता हूँ कि वो अच्छे हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो ये एक और मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ जो मैं सितंबर 2023 मींस आलमोस्ट 1 ईयर से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है, हाउस होल्ड का प्रोडक्ट जो मेरे पास है, अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। दिस प्रोडक्ट, दिस इज़ अ ब्लेंडर, जूस मेकर, और आपका जो भी जूस ब्लेंडिंग, जो दूसरे भी चीज़ें आपके शेक्स बनाने वाले हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी ये चार्ज पे हो रहा है, तो जब ये पूरी के पूरी अभी आप देखोगे इसमें कुछ ग्रीन हो चुकी हैं लाइट्स और अभी भी बाकी रेड है, तो ये पूरा चार्ज हो जाता है तो ये पूरी की पूरी लाइट्स ग्रीन हो जाती हैं। सो दिस इज़ ब्लेंड लाइफ का है, ब्लेंड लाइफ का ये ब्लेंडर है बेसिकली। तो इसके क्या फीचर्स हैं, कैसे ये काम करता है, आज मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ कि हाउ दिस ब्लेंडर वर्क्स और इसको मैं कैसे यूज़ करता हूँ, कैसे ये काम में आता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, वो भी सब हम आज अभी देखने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात इस ब्लेंडर की है ना कि इसकी बैटरी बहुत बड़ी है, 4000 mAh की बैटरी है, जिससे कि ऑलमोस्ट 25 बार आप इसमें जूस बना सकते हो। अगर डिफरेंट यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर हैवी यूज़ करोगे तो कम, और लाइट यूज़ मतलब जूस वगैरह में है तो कम से कम 25 बार एक बार बैटरी चार्ज करने पर इसको हम यूज़ कर सकते हैं। बैटरी इस जो वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट में है, बैटरी जो है बेसिकली इस वाटर प्रूफ जो ये नीचे वाला कंपार्टमेंट है ये पूरा वाटर प्रूफ है, तो वाटर प्रूफ कंपार्टमेंट में इसकी पूरी बैटरी है, तो आपको कोई डर नहीं है कि इसके अंदर पानी चला जाएगा बैटरी वाले में। और इसको बेसिक और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये टाइप सी चार्जर से चार्ज हो जाता है, तो आप अपने पावर बैंक या कार चार्जर या घर के अंदर कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है उससे चार्जर से आप इसको चार्ज बेसिकली कर सकते हो। दूसरा इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 230 वॉट की पावरफुल बैटरी है, पावरफुल मोटर है बेसिकली, तो वो काफ़ी देर काम करती है और काफ़ी पावरफुल है। इवन आइस क्यूब्स आप डालो या कोई थिक चीज़ डालोगे तो वो भी ये आराम से उनके उसमें भी ये अच्छे से काम करता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे काम करता है। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी कोई चीज़ लेने जाओ तो आपको सबसे तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इन चीज़ों के अंदर देखने की ज़रूरत है, एक तो बैटरी कितनी बड़ी है, मतलब बैटरी ज़्यादा देर तक लास्ट करनी चाहिए, बड़ी बैटरी होनी चाहिए जैसे इसकी है। दूसरे नंबर पे चार्जिंग आसान होने चाहिए, टाइप बी की बजाय सी चार्जर बेटर रहता है, इसके अंदर सी है, सी टाइप चार्जर है। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये जो कैपेसिटी है इसके जार की, जो कैपेसिटी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। कई बार बहुत छोटे जार होते हैं तो उन जार्स के अंदर आपका जूस वगैरह है वो बहुत कम बनता है, तो ये बेसिकली 600 ml की कैपेसिटी का है जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, जिससे कि हम काफ़ी सारा इसमें शेक या जूस बना सकते हैं। इसकी जो कवर है, लिड है, ये लिड लग जाती है और ये लिड के अंदर ही ये पीने के लिए सिपर भी लगा हुआ है, तो आपको बेसिकली जब अपना बनाते हो तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है और इसको डायरेक्टली ही आप एज अ मतलब इसमें सिप कर सकते हो। तो अभी हम इसको एक्चुअली यूज़ करके बना के देखते हैं कि कैसे हम इसके अंदर शेक वगैरह बना सकते हैं। तो यूज़ करते हैं तो एक दो चीज़ देखने वाली इम्पोर्टेंट ये है कि ये देखो अभी रेड हो रहा है, जब आप इसको थोड़ा और अच्छे से घुमाओगे, ये जो रेड वाला है और ये जो है लाइन में होना चाहिए, तभी ये ग्रीन होगा और तभी आप इसको यूज़ कर पाओगे। अरे बाप, मलाई डल गई, तो इसमें डाल रहे हैं हम थोड़ा सा दूध, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, है ना। तो ये आइस क्यूब्स है, एक दो तीन, तो चार बड़े आइस क्यूब्स हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये है कॉफ़ी, तो अब ये डाल देते हैं इसमें, और थोड़ी सी शुगर, तो कॉफ़ी, शुगर, मिल्क और आइस क्यूब्स इसके अंदर हो गए हैं, और डालते हैं थोड़ा
पानी ताकि इसको कैपेसिटी तक भर ले। तो ये हो गया हमारा तैयार, पूरी कैपेसिटी तक इसको हमने भर दिया है। अब इसका लगाते हैं एक कवर। तो इसके साथ आता है ये कैरी केस, आप इसको ऐसे कैरी कर सकते हो उठा के, है ना, ऐसे पकड़ के भी कैरी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसके साथ आती हैं। तो ये बेसिकली ट्रैवलिंग के लिए एक बहुत आइडियल चीज़ है। अब ये बंद हो गया है, अब हम इसको यहाँ से देखते हैं मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लाइन ये मैच कर रही है, थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं। तो अब ये लाइन में है, अब हम इसको चला के देखते हैं। तो पल्स मोड में भी चलता है और ये नॉर्मल मोड में भी चलता है। तो बर्फ़ को देख रहे हो कितनी पावरफुल है ये, और बर्फ़ को बढ़िया से तो पूरा इसमें घुल जा रहा है। एक बार और चलाते हैं, वी आर रेडी टू सिप है। इसको खोल के देखते हैं। तो अगर इसको जब चला रहे हो तो ऊपर कर देना चाहिए ताकि ये बंद हो जाए, और जब रोक दो तो इसको खोल दो और यहाँ से एक बटन दबाते ये सिपर खुल जाता है। और ये हमारी कॉफ़ी तैयार, कोल्ड कॉफ़ी रेडी है, रेडी टू ड्रिंक। यम्मी, क्या कॉफ़ी बनाता हूँ ना यार, है ना, ज़बरदस्त। मैं एडिक्टेड हूँ कॉफ़ी का, कॉफ़ी खूब ज़्यादा पीता हूँ, बहुत पीता हूँ। तो मैंने जब ये लिया था यार पिछले साल, तो आई थिंक 2,500 के आसपास या 2,000 रुपये कुछ था। अभी जो अमेज़न पे रेट दिख रहा है वो है 3,000 समथिंग। तो रेट तो बढ़ते ही हैं, इन्फ्लेशन है, बट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। काफ़ी मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा, माल एक साल से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी रेगुलरली यूज़ करता हूँ। तो जिम में अगर आप जा रहे हो तो भी यूज़ कर सकते हो, ट्रैवल में यूज़ कर सकते हो, घर पे नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हो। बैटरी ऑपरेटेड है, पोर्टेबल है, तो काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, आपको शायद काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा ये प्रोडक्ट, और ऐसे ही मैं प्रोडक्ट भी आपके लिए लाता रहता हूँ जो मैं घर में यूज़ करता हूँ नॉर्मली। सो ये है ब्लेंड जेट का, ब्लेंड लाइफ का प्रोजेक्ट है, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो गाइस, ओके, सी यू, बाय, चाओ।